कान्हाजी ब्लॉग्स में आज हम आ गए हैं कोलकाता शहर के स्थित भूत भवन भूतनाथ मंदिर में। बाबा भूतनाथ मंदिर कोलकाता शहर में स्थित है। यह सबसे सुंदर और सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर से कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर का निर्माण 1527 ईस्वी के दौरान राजा अजबर सेन के द्वारा कराया गया था। इस मंदिर के निर्माण के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह प्राचीन समय में जहां यह मंदिर आज स्थित है वहां पर एक जंगल था, जिस जंगल में आसपास के इलाकों के सभी जानवर चरने के लिए जाते थे। इस मंदिर के निर्माण के बारे में यह कहा जाता है कि जब गाय उस जंगल में चरने के लिए जाती थी तब उनके थनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब इस घटना का पता राजा को चला तो उसने वहाँ पर जाकर निरीक्षण करने का विचार किया। जब राजा वहाँ पर पहुँचा तो उसने उस जगह की खुदवाई करवाने का विचार बनाया और खुदाई के दौरान उस जगह पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग प्रकट हुई थी। राजा ने शिवलिंग को बाहर निकलवाया और दूध से स्नान कराया। इसके साथ ही राजा ने वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया तब राजा के द्वारा वह शिवलिंग उस मंदिर में स्थापित करा दिया गया। वर्तमान काल में यह मंदिर संत मणिपाल जी के द्वारा प्रचार आदि हुआ इस मंदिर का, और लोगों में इस मंदिर के प्रति आस्था और भी बढ़ गई। इस मंदिर के आसपास के लोग बाबा भूतनाथ में बहुत ही अटूट आस्था रखते हैं। दूर दूर से भक्तगण वहां पर आते हैं और बाबा भूतनाथ मंदिर में जाकर उनके दर्शन को प्राप्त करके अपने जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। आप भोले भूतनाथ मंदिर के अंदर बाबा के शीश और जो उनकी चरण पादुका रहती है उनके दर्शन कर रहे हैं। इनके दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, ये पंडित जी के द्वारा हमें उपलब्ध हुआ है। भूतनाथ के अंदर आप सभी देख रहे हैं, वहाँ से भैया जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड करना। ठीक है, ठीक है, आप सभी अभी लाइव दर्शन कर रहे हैं भूतनाथ के। अभी हमने पंडित जी से इतने हमें दर्शन कराया और दिए भी है। अभी आप दर्शन कर रहे हैं नंदी जी के और बाबा के त्रिशूलों के दर्शन कर रहे हैं। आप लाइव दर्शन कर रहे हैं अभी। आज सावन महीने की शिवरात्रि है। जो घर पर हैं और मंदिर नहीं आ सकते, ये दर्शन उनके लिए ही है। आपको मैंने भी बाबा के चरण पादुका का दर्शन कराया। ये सब बाबा का ही कृपा था। और ये नंदी जी हैं, श्रावण महीने की शिवरात्रि में आपने दर्शन किया है।
ये मंदिर के अंदर का ही प्रांगण है, भूतनाथ के मंदिर के अंदर का प्रांगण है और सामने गंगा बहती है। शायद से रुद्राभिषेक की तैयारी भी हो रही है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे नमः। यहाँ से प्रवेश करते हैं भक्तजन। ये प्रवेश द्वार है बाबा भूतनाथ के। यहाँ पर आरती लिखी हुई है, अभी सजावट से ढकी हुई है। भक्त यहाँ से आरती पढ़ते हैं, कपूर की टिकिए को जलाते हैं और यहाँ खड़े होकर वे सभी आरती करते हैं बाबा भूतनाथ की। बाबा स्वयं विराजते हैं यहाँ, शमशान वासी है और शमशान के राख से बाबा की आरती होती है, भस्म आरती होती है भोर में। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हर एक दिन एक शव आरती के पहले आकर बाबा के लिए यहाँ प्रस्तुत रहता था, अपने भस्म से बाबा के आरती के लिए। ऐसी अद्भुत महिमा है यहाँ पर भूतनाथ बाबा की। ये गंगा बहती रहती है यहाँ पर, गंगा का जल का दर्शन है मंदिर के अंदर और यहाँ हवन कुंड है जहाँ पर हवन होता है। मंदिर के अंदर आरती हो रही है और सारे गेट्स लॉक हो गए हैं और हम अंदर बंद हो गए हैं। 5 मिनट के बाद गेट खुला, 5 से 10 मिनट के बाद, और जब हम बाहर आए तो फिर यहाँ पर लोग कपूर की आरती करते हैं शिव जी की। पहले वहाँ पर होता था कोरोना के बाद, अब यहाँ पर लोग आरती करते हैं कपूर की, बाबा भोलेनाथ। सुंदर सी झांकी बनी है, कल सावन का सोमवार था और आज मास शिवरात्रि है, श्रावण मास के महीने की शिवरात्रि। श्रावण मास के शिवरात्रि में माता पार्वती ने, गणेश जी की दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि ने और गंगा मैया ने भी श्रावण मास के शिवरात्रि में शिव जी की पूजा की थी। और आज मैं आप सभी के लिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ के दर्शन लेकर आई हूँ। माना जाता है कि शव के भस्म से ही शिव जी की सुबह की भस्म आरती होती है और हम गंगा के बिल्कुल सामने हैं, आप देख सकते हैं। और यह भूतनाथ मंदिर के ठीक ऑपोजिट में है, आप शिखर के दर्शन अभी मैं आपको कराती हूँ। ये आप दर्शन कर रहे हैं शिखर के मंदिर के, वो दिख रहा होगा आपको। भूतनाथ मंदिर के ठीक पास में ही, ऑपोजिट में ही आपको ये बाबा का प्रवेश द्वार है। भूतनाथ बाबा मंदिर का प्रवेश द्वार है, रेल लाइन के पार है बाबा का मंदिर और उन्हीं के पास श्री श्री शीतला देवी माँ का मंदिर है, शीतला माँ का मंदिर है। मंदिर से ठीक सटा हुआ छोटे छोटे और भी मंदिरों के दर्शन हैं, जैसे यहाँ पर देवी काली के दर्शन हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ को हमेशा फूल माले से ढककर रखा जाता है, अभी सफाई हुई है बोलकर हमें ये दर्शन उपलब्ध हुए हैं। और फिर आपको ये बहुत ही प्राचीन पीपल का वृक्ष है और इस वृक्ष के नीचे स्वयं महादेव हैं और आपको महादेव के पिपलेश्वर स्वरूप का दर्शन होता है क्योंकि ये पीपल के वृक्ष के नीचे हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम सौराष्ट्र सोमनाथम श्री शैल मल्लिकार्जुनम उज्जैनम। महा मंदिर की सफाई हो रही बोल के माँ का को पूरी अच्छी से माला वगैरह हटा दिया गया है। माँ शेरोवाली का दर्शन है यहाँ पर, अद्भुत स्वरूप में माँ दर्शन देती हैं यहाँ पर अपने भक्तों को और यहाँ पर मांगी हुई मन्नत हमेशा पूरी होती है।
नवरात्रों में यहाँ पर कलश बोया जाए, कलश बैठाया जाता है, उसमें ज्वारे बोए जाते हैं और लोग यहाँ पर नवमी के दिन आकर हवन भी करते हैं और यहाँ बीच बीच में हलवा पूड़ी का प्रसाद भी हमें मिलता है। जय माँ शेरों, अभी सफाई चल रही है मंदिर की। जय माँ भूतनाथ के ठीक ऑपोजिट में ही आप दर्शन करेंगे साक्षी हनुमान जी के मंदिरों के। यह है साक्षी हनुमान जी मंदिर। हमने पहले ही कहा हम आपको संपूर्ण भूतनाथ दर्शन करवाएंगे। नीमतला घाट में जो भूतनाथ बाबा का मंदिर है, यह है साक्षी हनुमान जी का मंदिर। चलिए आइए इस मंदिर में चलते हैं। प्राचीन वृक्ष लग रहा है हमें, इसको देखकर ही लग रहा है कि बहुत पहले से है ये वृक्ष यहाँ पर। और हम आ गए हैं, साक्षी हनुमान के दर्शन कर रहे हैं। साक्षी हनुमान, आज मंगलवार का दिन है और हम भूतनाथ के दर्शन के लिए आए थे, तो हमने सोचा आपको साक्षी हनुमान जी का भी दर्शन करा दें। पवन पुत्र हनुमान जी पर्वत अपने हाथ में उठाए हुए हैं। यह दर्शन ही बहुत अति दुर्लभ है और मन को शांति देने वाला है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।